रूस यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। एक महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन जंग अभी भी जारी है। अब इसका सीधे तौर पर असर आम जनता की जेब पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल महंगा हो चुका है, गेहूं महंगा हो चुका है, मैगी महंगी हो चुकी है। हर एक चीज पर महंगाई की मार सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। जहां रूस के निर्यात को कई देश रोक चुके हैं, वहीं अब भारत निर्यात कर रहा है अन्य देशों को। वहीं आपको बता दें कि गेहूं में भी 6 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का असर, 15 दिनों में आटा 6 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ। अमेरिका, नाइजीरिया, हंगरी समेत कई देशों ने रूस के निर्यात पर रोक लगाई। रूसी निर्यात पर रोक से दुनिया भर में गेहूं की किल्लत हुई। भारत ने निर्यात बढ़ाया। मध्य प्रदेश से रोजाना 2 से 3 लाख क्विंटल गेहूं यूरोप अफ्रीकी देशों को निर्यात हो रहा है। बाजारों में गेहूं के दाम 2200 क्विंटल से बढ़कर 2600 रुपए क्विंटल तक पहुंच गया है। गेहूं से बनने वाले ज्यादातर उत्पादों की कीमत 5 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। नेस्ले इंडिया ने मैगी की कीमतों में 9 से लेकर 16% का इजाफा किया है। बिस्किट के दाम भी बढ़ने की आशंका जताई गई है।